राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हर भक्त भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करने को तैयार रहता है। हम और आप ऐसे कई मंदिरों को जानते हैं जहाँ भक्त खुले हाथों से भगवान के चरणों में लाखों करोड़ों रुपए अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि सनातन धर्म के चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का ही भोग क्यों लगाया जाता है? यहाँ भगवान जगन्नाथ को तो 56 भोग भी लगाए जा सकते थे, लेकिन खिचड़ी ही क्यों? नहीं पता। तो एक काम कीजिए, आज की हमारी जो कहानी है पूरी सुनिएगा, ध्यान से मन लगाकर प्रेम से सुनिएगा, तो आपको आपके इन सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। क्योंकि आज की जो कहानी है वो भगवान जगन्नाथ से जुड़ी हुई कहानी है, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग क्यों लगाया जाता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिखिएगा, किंतु अवश्य ही लिखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाले हैं, जो कि भगवान कृष्ण की है, भगवान जगन्नाथ की है। तो सभी लोग पूरी कथा को सुनिएगा, आप सभी को बहुत अधिक पसंद आएगी। और बहुत सारा ज्ञान का भंडार है इस कथा में, आपको बहुत सारा ज्ञान भी मिलने वाला है। तो सबसे पहले, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत पहले भगवान जगन्नाथ की एक अनन्य भक्त हुआ करती थी कर्माबाई। कर्माबाई एक वृद्ध महिला थी, लेकिन वह हर रोज़ भगवान जगन्नाथ को भोग लगाना कभी नहीं भूलती थी। एक बार कर्माबाई की इच्छा हुई कि भगवान जगन्नाथ को अपने हाथों से कुछ बनाकर भोग लगाया जाए, लेकिन उन्हें मन में शंका थी कि क्या भगवान को ये पसंद आएगा। ऐसे में उन्होंने अपने मन की इच्छा भगवान को बताई। कर्माबाई की इच्छा सुनकर भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके घर आ गए और कर्माबाई से कहा कि उन्हें बहुत तेज भूख लगी है और वे उन्हें कुछ बनाकर खिलाएं। कर्माबाई ने झटपट में बनने वाली चीज, जो कि खिचड़ी होती है, खिचड़ी बनाई। भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी परोसकर उन्हें पंखा झलने लगी। भगवान जगन्नाथ ने बड़े चाव से खिचड़ी खाई और कर्माबाई से कहा कि उन्हें खिचड़ी बहुत पसंद आई और अब वे रोज़ कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी खाने आया करेंगे। कर्माबाई प्रभु की बात सुनकर बेहद प्रसन्न हो गईं। फिर ये कर्माबाई के दिनचर्या का हिस्सा बन गया। वे रोज़ सुबह उठती और सबसे पहले भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी। भगवान आते, खिचड़ी खाते और कपाट खुलने से पहले पहले मंदिर वापस चले जाते। एक दिन कर्माबाई जब सुबह सुबह खिचड़ी बना रही थी, तब उनके दरवाजे पर एक महात्मा आए और उन्होंने कर्माबाई को बिना स्नान किए और बिना रसोई साफ किए खाना बनाते देखा तो समझाया कि ऐसा करना गलत है। इस पर कर्माबाई ने उन महात्मा को बताया कि वह तो प्रभु के लिए भोग तैयार कर रही हैं। इस पर उस महात्मा ने उन्हें कहा कि फिर तो कर्माबाई को और भी साफ सफाई और नियमों का पालन करके भोजन तैयार करना चाहिए। कर्माबाई के मन में महात्मा की बातें घर कर गईं। अगले दिन जब भगवान जगन्नाथ आए तो इन्हें खिचड़ी खाने के लिए इंतजार करना पड़ा, क्योंकि कर्माबाई स्नान करने और रसोई की साफ सफाई में व्यस्त हो गई थी। उधर मंदिर के कपाट खुलने का समय हो चला था। ऐसे में भगवान जगन्नाथ ने तेजी से खिचड़ी खाई और बिना मुंह धोए मंदिर में लौट गए। ऐसे में जब मंदिर के पुजारी ने कपाट खोला तो उसने भगवान के मुँह पर खिचड़ी लगी पाई। उस पुजारी ने भगवान से इसकी वजह जानने की कोशिश की तो भगवान जगन्नाथ ने उसे सारी बात बताई और कहा कि जाकर उस महात्मा को समझाए कि भगवान सिर्फ भक्ति भाव के भूखे होते हैं। जब महात्मा को ये बात पता चली तो उसे अपने किए पर बहुत अधिक अफसोस हुआ और वे भागे भागे कर्माबाई के पास पहुँचे। महात्मा ने कर्माबाई से माफ़ी मांगी और कहा
कि वे जैसे ही भगवान को भोग लगाना चाहती हैं वैसे ही भोग लगाएं। उन्होंने आगे कर्माबाई से कहा कि आस्था और श्रद्धा से बढ़कर भगवान को कुछ नहीं चाहिए होता है। एक दिन जब पुजारी ने मंदिर का कपाट खोला तो उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने भगवान से इसकी वजह पूछी तो भगवान जगन्नाथ ने बताया कि कर्माबाई का देहांत हो गया है और उन्हें माँ और उनके हाथों से बनी स्नेह से भरपूर खिचड़ी की याद आ रही है। तब पुजारी ने भगवान से कहा कि अब वे रोज़ उनके लिए खिचड़ी बनाएंगे, भगवान को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। इसके बाद से ही भगवान जगन्नाथ के लिए हर रोज़ खिचड़ी बनाई जाने लगी और खिचड़ी का ही भोग लगाया जाने लगा। तो बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। इस प्रकार से हमने आज की कहानी में जाना कि भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग क्यों लगाया जाता है। और कर्माबाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के मकराना तहसील के कालवा गांव में जाट परिवार में भादवावदी एकम यानी 20 अगस्त 1615 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम जीवन राम जी डूडीबा, माँ का नाम रत्नी देवी था। पिता जीवन राम शुरू से परम कृष्ण भक्त थे। भगवान को भोजन करवाने के बाद ही वह खुद अन्न व जल ग्रहण करते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की कहानियाँ प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं और भक्ति भाव सच्चा प्रेम इसी के भूखे होते हैं भगवान। जब व्यक्ति सच्चे भाव से सच्ची भक्ति से भगवान को पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। बहुत ही सुंदर कथा थी ये कर्माबाई जी की और भगवान जगन्नाथ के प्रेम की, एक भक्त और भक्त के भगवान के प्रेम की। तो आशा करते हैं आज की ये कथा आपको अवश्य ही पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं आपसे बहुत ही सुंदर कथा के साथ जल्द ही दूसरी वीडियो में। जय माता की, राधे राधे। बोलिए जय जगन्नाथ स्वामी, जय कर्माबाई जी की।